मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरा लहर आए के बाद पूरे मध्यप्रदेश में हाहाकार की स्थिति है, किंतु यह पूरे हाहाकार में सबसे बड़ी यदि बात सामने निकल के आई है तो झोला छाप डॉक्टर के आतंक। यह दौर में जब मानवता का बिल्कुल जिंदा रखे की आवश्यकता है, वह दौर में झोला छाप डॉक्टर खुलेआम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह हम नहीं कही, पूरे मध्य प्रदेश के हालात कह रहे हैं। एक ऐसा मामला सामने लेके आया है जोने में एक झोला छाप डॉक्टर जो है संतरा के खेत में लगाए इस 20 बेड जहां लोगन की भुइयां पहुंचा के कर रहा इलाज, और पहुंची जब जो है जिला के टीम तब भाग गांव से झोला छाप डॉक्टर विन क्षेत्र के। यह पहल बघेली न्यूज चैनल महम कनी स्त्रीवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के। मध्यप्रदेश के आगर जिला में कोरोना काल में संतरा के बगीचा में अस्पताल में तब्दील करे के मामला सामने आया है। दरअसल जो है झोला छाप डॉक्टर संतरा के बाग में मरीजन का लिटाई के इलाज कर रहा और उनका ग्लूकोज चढ़ा बढ़ रहा है। यह मामला खबर मिले पर अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो डॉक्टर मौके से फरार हो गया। मौके में पहुंचे अफसरन की टीम का सिर्फ पेड़न के सहारे लटकी बोतल मिली। यह घटना की वीडियो तस्वीर जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। अफसर मौका से सीरंज दवाई के पत्ता अर्धजली अवस्था मिली। अधिकारी ने कहा है कि ग्रामीण में कोरोना खलाई की डर व्याप्त है, इसके चलते लोग जो है सरकारी अस्पताल में जाए से बच रहे हैं और उनका डर है कि यदि वो अस्पताल के रुक कर ही तो उनका कोरोना मरीज बताए के भर्ती कर ली गई। इन डर से लोग झोला छाप डॉक्टर के इलाज करावे के रुक कह रहे हैं। कोरोना की ये दौर में खुली जगह का अस्पताल में तब्दील करे के नियमन को उल्लंघन है। फिलहाल वह झोला छाप डॉक्टर के तलाश की जा रही जेके द्वारा संतरा के बाग का अस्थायी अस्पताल में तब्दील कर दिन का रहा। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे तस्वीरन में जो बाग के कई लोग लेटे नजर आ रहे हैं, इन लोगों में महिला जो है अच्छी खासी संख्या है। अपना प्रतिक्रिया बता दी कि देश भर में बीते 10 दिनों में एक वक्त से लगातार 3 लाख से ज्यादा कोरोना केस मिल रहे हैं। यह नहीं, गुरुवार का देश में 4,12,000 जो है लाख से ज्यादा कोरोना केस मिल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर कहर से देश भर में आतंक मचा है। देश के 12 राज्य ऐसा है जहां कोरोना के 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। यह नहीं, केंद्र सरकार जो है वैज्ञानिक सलाहकार कहा है कि यह साल नवंबर तक कोरोना के तीसर लहर के अटैक हो सका थी। जौने कलई के हमका पहले से सचेत और तैयार रहे के पड़ी तो निश्चित तौर पर समझी कि अब जो है वक्त गंभीर है। यह दौर में लापरवाही अपना के जान ले सका थी और लापरवाही सबसे बड़ी है कि एक झोला छाप डॉक्टर जेके लगे कौनो अनुभव नहीं रहा है, कौनो डिग्री नहीं रहा है, कौनो ओके पास जानकारी नहीं रहा है। वह केवल ग्लूकोज के बोतल डिक्सोना लगाए के अपना का तात्कालिक रूप से क्षणिक लाभ तो दे दी, किंतु अपना के शरीर का वह इतना बीमार कह दी, बहुत बीमार कह दी। ऐसे ही जरूर ध्यान रखब, थोका दूरी जाए के परी, थोका समय लग जी, किंतु एक बेहतर डॉक्टर जिनका अधिकार दिन गए हैं, जो वास्तव में डॉक्टर हैं, उनसे इलाज ली और अपन स्वास्थ्य के सही सलाह ली। नहीं था हालात ये हुई कि जैसा लोगन के मौत के दर बढ़ी रहा है, तब पहले कहा होते कि यदि सर्दी खांसी बुखार आई तो हम पचे चले गए झोला छाप के लगे हुए कौनो दवाई एंटीबायोटिक दे दी, वह कोरोना दब गया, किंतु वह धीरे धीरे शरीर के अंदर पार्टन का डैमेज कर रहेगा। जब हालात ज्यादा खराब भे तब फिर हम पचे पहुंची थे जिला चिकित्सालय, तब बहुत देर हो चुकी होती, फिर डॉक्टरों कुछ नहीं कह सकता ही। ऐसे बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर के सहारा बिल्कुल न ले, नहीं था जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करे के पड़ी। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।